एडवोकेट योगेश गौड़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आपका वकील। मित्रों आज मैं बताऊंगा कि जब पुलिस आपका आपके वाहन का चालान काट देती है और बहुत मोटा जुर्माना करती है तो हम बहुत परेशान होते हैं कि इतना जुर्माना कहां से लेके आए और माइंड हमारा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और पुलिस वाले हमसे मोटा जुर्माना वसूलना चाहते हैं। तो मित्रों मैं इसी का आज आपको समाधान बताऊंगा। आपका जब कोई जब पुलिस आपके किसी वाहन का जुर्माना कर दे चालान काट दे तो आपको क्या करना है, उस जुर्माने जो पुलिस वाले जो जुर्माना मांगते हैं उनको आपको नहीं देना है। आपको क्या करना है कि सिंपली अपने कोर्ट जाना है जहां जिस थाने के अंतर्गत आपका चालान काटा गया उससे संबंधित जो न्यायालय है उस न्यायालय में आपको जाना है। न्यायालय में जाकर के उसके कार्यालय में आपको उसके जो क्लर्क होते हैं उनसे संपर्क करना है और एक सिंपल एक एप्लीकेशन आपको वहां देनी है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो स्वयं लिख सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो किसी अधिवक्ता की आप सहायता ले सकते हैं। और उस एप्लीकेशन में सिंपली आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले न्यायालय का नाम लिखना है कि जैसे न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आप हाथरस के हैं तो हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा जैसे भी है वो आपको लिख देना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, सरकार बनाम और जिसके नाम से चालान कटा है उसका नाम लिख देना है। फिर साइड में एक धारा लिखनी है, धारा क्या लिखेंगे कि आप एमबी एक्ट लिख दीजिए, केवल सिंपली एमबी एक्ट लिख दीजिए और उसके बाद में नीचे थाना लिख दीजिए, थाना जिस थाने के अंतर्गत आपका चालान काटा गया उस थाने का नाम लिख दीजिए और उसके बाद में विषय में लिख दीजिए आप प्रार्थना पत्र वास्ते जुर्म इकबाल और इसके बाद में लिख दीजिए आप एक छोटी सी एप्लीकेशन लिख दीजिए श्रीमान जी कि दिनांक इतने को प्रार्थी का चालान कर दिया गया और जो है प्रार्थी अपने जुर्म को इकबाल करना चाहता है और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करके कम से कम दंडित करने की कृपा करें और प्रार्थी का नाम डाल दीजिए और डेट डाल दीजिए। वो जो है अगर उसके साथ में जैसे कंडीशन ये रही कि आप मान लीजिए आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी है, गाड़ी का बीमा भी है, लेकिन जिस समय चालान कटा उस समय आपके पास नहीं था और पुलिस ने इसी कारण से आपका चालान काट दिया तो उसमें क्या करेंगे कि आप जो ड्राइविंग लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी और बीमा की फोटोकॉपी उस अपने प्रार्थना पत्र के साथ लगा दीजिए और आरसी की कॉपी लगा दीजिए। और जब न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने आपका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए तब आप ये बता दीजिए कि तब मैं गलती से उस समय मेरे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेरे घर पर रह गए थे, अब मेरे पास ये ऑलरेडी हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि वो आपके जो जुर्माना है उसको 50 या 100 रुपए करके या फिर अगर उसके विवेक में आया तो वो उसको छोड़ भी सकता है, उसको छोड़ भी कर सकता है। जहां आपको पुलिस वाले को 1000, 2000, 4000 रुपए जुर्माना देना था वो आपका काम आपका जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 50-100 रुपए में छूट जाएंगे। अगर इसके बावजूद भी अगर आपके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस था बीमा भी नहीं था तब भी पुलिस जितना चार्ज लेती है उससे आधे से भी कम का जुर्माना मजिस्ट्रेट आपके उस प्रार्थना पत्र पर करेगा, उतना आप जमा करके अपने कागजात जो आरसी है या जो भी आपका डॉक्यूमेंट पुलिस ने लिया था वो आप वापस प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप जो है अपना चालान सस्ते में छुड़ा सकते हैं। और एक और उपचार है कि हर माह में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, लोक अदालत में किसी भी अधिवक्ता की आवश्यकता आपको नहीं है, आप स्वयं अपने इस ऐसे ही जो मैंने अभी आपको प्रार्थना पत्र बताया एक प्रार्थना पत्र कार्यालय में देंगे वो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा और लोक अदालत में और भी कम रुपए में आपका चालान छूट सकता है। इस प्रकार से आप जो है अपनी ये बचत कर सकते हैं और पुलिस को जो पैसा देना है वो उससे बच सकते हैं। तो मेरे मित्रों आज की जानकारी आपको कैसी लगी, मेरा अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।